आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल, मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। कहते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। विज्ञान और धर्म को लेकर कई सदियों से लोग इन पर विवाद करते आ रहे हैं। वैज्ञानिक और धर्म वैसे तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है, लेकिन आपको बता दें कि ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज को भी दुनिया से अलग कर दिया जाए तो इसमें दुनिया का सारा संतुलन बिगड़ सकता है। इनकी हकीकत हम आपको बताते हैं कि यदि विज्ञान के साथ धर्म नहीं होगा तो इससे विकास नहीं बल्कि सिर्फ विनाश होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। भले ही ये एक दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन बता दें कि विज्ञान का काम है गति देना, जबकि धर्म दिशा देता है। विज्ञान के बगैर जीवन संभव है, लेकिन धर्म के बिना इंसान दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। विज्ञान के द्वारा विकास होने के लिए धर्म का मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी होता है। आपको जानकारी दे दे कि यह सिद्ध युद्ध आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही दोनों पक्षों में खींचतान हो रही है। आपको बता दें कि भौतिकी के साथ अगर अध्यात्म नहीं होगा तो वह केवल पहले का कारण बन जाएगा। सनातन धर्म विश्व का पहला और सबसे प्राचीन धर्म है। कुछ के मत के अनुसार यह धर्म नहीं अपितु जीवन जीने का एक साधन है। सनातन धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है और सभी देवता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़े होते हैं। सनातन धर्म में वास्तव में प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करने की शिक्षा देता है, जो अन्य किसी धर्म में नहीं। इसलिए हम सनातन धर्म को विज्ञान पर आधारित धर्म कहते हैं। इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि वो कारण जिनसे पता चलता है कि हमारी परंपराएं और हमारा धर्म पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है, जिसमें अवैज्ञानिक कुछ भी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जनेऊ धारण करना। जनेऊ शरीर के लिए एक्यूप्रेशर का काम करता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां कम होती है। लंघु शंका के समय जनेऊ को कान पर लगा लिया जाता है, जिससे लिवर और मूत्र संबंधी रोग विकार दूर होते हैं। मंत्र। मंत्र भारतीय संस्कृत का अभिन्न अंग है, जिसे हम पूजा पाठ और यज्ञ आदि के समय प्रयोग करते हैं। कई मंत्रों से मस्तिष्क शांत होता है, जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। वहीं ब्लड प्रेशर नियंत्रण में भी मंत्रों का काफी प्रयोग किया जाता है। शंख बजाना। प्रत्येक धार्मिक कार्यों पर शंख बजाते हैं, जो सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शंख बजाने से जो ध्वनि निकलती है उससे सभी हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। शंख मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को भी दूर रखा है, साथ ही यह कर्ण संबंधी रोगों से बचाता है। शंख बजाने से स्वास्थ्य संबंधी रोग भी समाप्त हो जाती है। तिलक लगाना। माथे के बीच में दोनों आंखों के बीच के भाग को नर्व पॉइंट बताया जाता है, जिस कारण यहाँ पर तिलक लगाने से आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, जिससे किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। साथ ही यह मस्तिष्क के रक्त की आपूर्ति को नियंत्रण में रखता है। तुलसी पूजन। सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसका अपना वैज्ञानिक कारण भी है। तुलसी अपने आप में एक उत्तम औषधि है, जो कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। खांसी, जुकाम और बुखार में तुलसी का एक अचूक रामबाण है। तुलसी लगाने से कई हानिकारक जीवाणु और मच्छर आदि दूर रहते हैं। पीपल की पूजा। वैज्ञानिकों के प्रयोग से सिद्ध हो चुका है कि पूरी पृथ्वी पर एकमात्र पीपल का पेड़ ही है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जिस कारण से पीपल का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आज भी पीपल को सींच कर उसकी परिक्रमा की जाती है। पीपल के पत्ते हृदय रोग की औषधि में भी प्रयोग होते हैं। शिखा रखना। आयुर्वेद को प्रसिद्ध आचार्य सुश्रुत के अनुसार सिर का पिछला ऊपरी भाग संवेदनशील कोशिका का समूह होता है, जिसकी सुरक्षा के लिए शिखा रखने का नियम बनाया गया। योग क्रिया अनुसार इस भाग में कुंडलिनी जागरण का सातवां चक्र होता है, जिसकी ऊर्जा शिखा रखने से एकत्रित हो जाती है। गोमूत्र और गाय का गोबर। गाय के मूत्र को सनातन धर्म में पवित्र माना गया है, क्योंकि गोमूत्र कई भयंकर बीमारियों में रामबाण है। मोटापे के शिकार लोगों के लिए गोमूत्र एक अचूक दवा है, साथ ही यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। गाय के गोबर का लेप करने से कई हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पुराने समय में घरों में गोबर से घरों को फर्श लेपे जाते थे। योग और प्राणायाम। योग का लाभ किसी से छुपा नहीं है। योग करने से
आविष्कार भारत के ऋषि मुनियों द्वारा समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए किया गया। योग से स्ट्रेस और हाइपरटेंशन से मुक्ति मिलती है। वहीं कई जटिल बीमारियों में योग और प्राणायाम लाभकारी है। प्रतिदिन का प्राणायाम स्वास्थ्य संबंधी सभी रोगों से मुक्ति दिलाता है। हल्दी का प्रयोग। हल्दी अपने आप में एक उत्तम एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग दुनिया के कई देश कर चुके हैं और ये सिद्ध कर चुके हैं कि कैंसर जैसे भयंकर रोगों के उपचार में हल्दी एक अचूक औषधि है। हल्दी एक सौंदर्य वर्धक औषधि भी है जिसका प्रयोग मुंह के दाग धब्बे हटाने और शरीर को रूप में निखारने में किया जाता है। इसलिए विवाह की एक रस्म हल्दी की भी होती है। घी के दिए जलाना। दीपावली के समय हम अक्सर घरों में साफ सफाई करके दिए जलाते हैं और रोशनी करते हैं। दिए जलाने के केवल एक ही नहीं बल्कि जीवन में भी प्रकाश होता है क्योंकि दिए जलाने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। घी का दिया कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को समाप्त करता है। साथ ही तेल के दिए से हानिकारक कीटाणु भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु के बाद दीपावली मनाई जाती है क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद कीटाणु बढ़ जाते हैं। दाह संस्कार का कारण। शव को जलाना अंतिम संस्कार का सबसे अच्छा स्वच्छ उपाय है क्योंकि इससे भूमि प्रदूषण नहीं होता। साथ ही चिता की लकड़ियों के साथ घी और अन्य सामग्री का प्रयोग की जाती है जिससे वायु शुद्ध होती है। दाह संस्कार के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। एक ही स्थान पर कई दाह संस्कार किए जा सकते हैं। सनातन हिंदू धर्म के साथ साथ जैन बौद्ध और सिख भी इसी प्रकार से दाह संस्कार करते हैं। आज पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि सनातन हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।